गाइज, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जो कंप्यूटर का कीबोर्ड है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्यों नहीं होता है? क्यों कीबोर्ड का सीक्वेंस क्वेंटी में ही होता है? जी हाँ, इसके पीछे का रीज़न ये है कि पुराने ज़माने में जो कीबोर्ड है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही होते थे, लेकिन उस टाइम पे कंप्यूटर नहीं थे और टाइपराइटर से ही टाइपिंग होती थी। तो टाइपराइटर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर होने से जो लोग टाइपिंग करते थे वो काफ़ी तेज़ी से करते थे। वो जो टाइपराइटर था उसमें मैकेनिकल इनपुट सिस्टम था, यानी कि ज़्यादातर यूज होने वाली कीज आसपास थी, तो उस कारण वो जो टाइपराइटर है वो जाम हो जाता था। इस टाइपराइटर जैम की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्रिस्टोफर लेथम ने नया कीबोर्ड इन्वेंट किया जो आज हम सभी यूज करते हैं। जी हाँ, वो क्वेटरी सीक्वेंस में होता है। इसको बनाने का रीज़न ये था कि जो ज़्यादातर यूज होने वाली कीज़ हैं वो दूर दूर रहे, और चूंकि ये जो कीबोर्ड है हर किसी को याद नहीं रहता था तो टाइपिंग भी धीरे धीरे की जाती थी, तो उससे क्या टाइपराइटर के जाम होने की प्रॉब्लम नहीं होती थी। जी हाँ, लेकिन हालांकि बाद में क्या हो कि ये कीबोर्ड भी सबको मुंह पे याद हो गए थे और फिर से टाइपिंग तो स्पीड में हो रही थी, लेकिन इस बार क्या कि जो ज़्यादातर यूज होने वाली कीज़ है वो दूर दूर होने से जैम की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई टाइपराइटर में। तो यही कारण है कि आज भी क्वेटरी कीबोर्ड ही चल रही है। ऐसा कोई खास लॉजिकल इसमें रीजन नहीं है। हालांकि अब कंप्यूटर का जमाना आ गया और ये सारी प्रॉब्लम्स अब नहीं होती है, लेकिन जो पुराना चल रहा है वो आज भी चल रहा है। अगर मान लो कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कीबोर्ड निकाले भी सही, आप यूज करेंगे घर पे और फिर आप अगर बाहर कहीं जाएंगे, अगर आपको फिर वो क्वेटरी वाला कीबोर्ड देखने को मिलेगा तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। और पुराने जो इतने सारे कीबोर्ड्स बने हुए हैं उन सारे को चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो यही कारण है आज भी क्वेटरी सीक्वेंस में जो कीबोर्ड चल रहे वही रनिंग में। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए।